अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एमसीबी जो ये सर्किट ब्रेकर होता है आपके घरों में लगा हुआ होता है, अक्सर ये ट्रिप हो जाते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं लगता कि ये ट्रिप हो गया क्या है। ठीक है, मैं आज आपको इसका इंडिकेटर बनाने का तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका। आप इसको बना के अपने घर पर लगाएँ, कोई भी ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा आपको पता होगा कि ये ब्रेकर हमारा ख़राब है या ट्रिप हो गया किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक है, बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं। आप इसको घर पे लगाएं और ब्रेकर के साथ ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। दोस्तों देखें, जैसे मेरे पास एक 63 एम्पेयर ये 40 एम्पेयर का एक ब्रेकर है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी हो, 63 का हो, 40 का हो, 20 का हो, 10 का हो, कोई इसमें वो मसला नहीं है। ठीक है, तो ये देखें एक लाइट है मेरे पास। ठीक है, मैं इसी पे आपको बताऊंगा आपने करना क्या है। देखें एक मिसाल है, ये मैं एक लोड भी इस पर लगा रहा हूँ। आपने देखें दो तारे आपने जो लगी हुई होंगी ब्रेकर के अंदर, देखें ऐसे आपने दो तारे बना लेने। ठीक है, एक तार मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग इसलिए लगा रहा हूँ आपको समझ आए। ठीक है, अभी हमने सीधा अपने ब्रेकर पर लगा लेता हूँ। इसको आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है ऐसे। ये देख, ये तार मैं इधर लगा लेता हूँ। इसके कनेक्शन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप इसको घर पे लगाएं आपको फ़ायदा ये होगा। जो भी ब्रेकर आपका ख़राब है, अक्सर नहीं पता लगता, लोगों को मसला होता है तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों देखें ये एक तार हमने लोड की इधर लगा दी। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था इस ब्रेकर के साथ लेकिन मैंने नहीं लगाई ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये हमारा एक न्यूट्रल बच गया, ये हमारा फेज़ हो गया। ठीक है, दो तारें हमारी निकली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखें ये लगा दिया मैंने न्यूट्रल, ये फेज़। ठीक है, अब देखें इसका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कनेक्शन है। जैसे आपका एक मिसाल है, कोई भी चीज़ लोड के बीच में लगी होगी तो आपको पता है ब्रेकर के बीच में, खाली आपने एक ऐसे इंडिकेटर लाइट आप बड़ी लगा लें। मेरे पास बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो मैं इसी पे आपको चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे होती हैं डीपी के साथ बड़ी हैं, आप ये छोटी भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें एक मैंने न्यूट्रल लगा दिया, एक फेज़ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखें इस टाइम हमारा ब्रेकर ऑन हालत में, ठीक है कि खुला हुआ है, अब ये नीचे बंद होता है। देखें जैसे ये आपका ब्रेकर ट्रिप होगा, ख़राब होगा, कोई मसला होगा, ये वाली लाइट आपको आपके पास जलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा ब्रेकर ख़राब है। अब देखिए मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, वो लाइट जल गई हमारी, ये बंद हो गई। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ऐसा काम करेगा। ठीक है, ये देखें अब आपको पता है हमारा ब्रेकर ठीक है, बिजली आ रही है, बिजली नहीं आ रही। ये देखें ये लाइट आपकी जल गई। ठीक है, आपको इससे ये अंदाज़ा होता रहेगा कि हमारा ब्रेकर ट्रिप हो गया या शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप हो गया, ख़राब है, तो ये लाइट जल पड़ेगी। ठीक है, अच्छा आप ये देखें। ठीक है, आप इसको ऐसे घर पे लगा के आराम से लगा सकते हैं। आप इसको, आप इससे बड़ी लाइट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, बहुत आसान कनेक्शन होते हैं। देखिए मैं दोबारा चलाता हूँ, ये वाली लाइट बंद हो गई। अब मैंने दोबारा ये किसी वजह से गिर गया है समझे आप, ये देखें ये लाइट इसकी ऑन हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं MCB इंडिकेटर। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।